पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व महापौर स्वर्गीय बीना अग्रवाल की द्वितीय पुण्यतिथि पर भाजपाइयों और गणमान्यों ने बड़ी संख्या में बीना अग्रवाल स्मृति पार्क कंपनी बाग में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ गणमान्यों के द्वारा उनकी स्मृति उपवन पर फूलों से माल्यार्पण किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुरादाबाद की पूर्व महापौर स्वर्गीय बीना अग्रवाल की दूसरी पुण्यतिथि शनिवार सुबह को मनाई गई। हमारे परिवार का एक स्थल थी और जो हमें अचानक छोड़कर चली गई है। कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो अपने कार्य बहुत कम समय में पूरा करके और ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं और मैं उनको आप लोगों का बड़ा सहयोग है। पूरा मुरादाबाद जो है हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इस मौके पर कंपनी बाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा, प्रिया अग्रवाल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। स्वर्गीय बीना अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साथ बिताए गए समय को याद किया और कहा कि स्वर्गीय बीना अग्रवाल को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि जो विकास और जो रफ्तार महानगर को उन्होंने दी है वो शायद ही कोई दे पाए। इस दौरान सभी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि महापौर बीना अग्रवाल के द्वारा शहर का जिस तेजी से विकास कराया गया वो वाकई यादगार रहेगा। महापौर बीना अग्रवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वक्ताओं के आंखों से आंसू भी छलक आए। इस दौरान सभी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते। बीना जी के लिए कुछ पंक्तियां लेकर आई हूं। यह किसी नायिका की जीवन यात्रा नहीं, यह किसी नायिका के जीवन यात्रा नहीं बल्कि एक संपूर्ण युग की गाथा है। यह किसी नायिका की जीवन यात्रा नहीं बल्कि एक संपूर्ण युग की गाथा है। यह स्त्री के रूप वैभव की नहीं, यह स्त्री के रूप वैभव की नहीं उसके लौह कुछ दंडों की गाथा है। आज उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनका नाम लिया जाता है, जाने वाले चले जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस मुरादाबाद में अपना नाम दिया है, बेनिसंदेही। स्वर्गीय बीना अग्रवाल की पुण्यतिथि मनाने में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग भी पहुंचे। उन्होंने भी उनकी स्मृति उपवन पर फूलों से माल्यार्पण किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि शहर के बीचों बीच कंपनी बाग 40,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 25,000 वर्ग मीटर में कंपनी बाग का मैदान है। मैदान को आधुनिक पार्क के रूप में बनाने की बुनियाद 6 साल पहले रखी गई थी। पूर्व मेयर रही स्वर्गीय बीना अग्रवाल की दिलचस्पी से निगम ने इसे संवारने की योजना तैयार की थी। तब से अब तक मैदान देखने लायक है। इस दौरान महापौर के द्वारा शरबत वितरण किया गया और कहा गया कि बीना अग्रवाल हमेशा याद रहेंगी। बीना अग्रवाल जी की हम लोग उनके मूर्ति पे पुष्पांजलि करने आए थे और ये काफी अच्छा उनके स्मृति में जो ये पार्क है, ये मुरादाबाद का सबसे अच्छा पार्क है और बहुत अच्छा लगा देख करके कि लोगों को सवेरे जागिंग के लिए जो है एक अच्छी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। एक कहावत कही जाती है कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये कहावत उनके ऊपर बिल्कुल सटीक है। जिंदगी की सार्थकता उसके बड़े होने में ही है। लंबा जीवन हो और निरंतर हो तो बेकार है। उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी, सबसे बड़ा गुण था मितभाषी और चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कान। महानगर की प्रथम महिला महापौर श्रीमती बीना अग्रवाल जी को आज द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर समस्त महानगर वासियों ने हृदय की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको याद किया और अपने बीच से असमय चले जाने की कमी को महसूस किया। पर उनका जो सपना था, उनका जो ख्वाब था और जो उन्होंने देखा और उसको पूरा किया, उसको और आगे बढ़ाएंगे।
यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।